नमस्कार, मैं हूं किंजल तिवारी और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज। डूंगरपुर एमएलए गणेश घोगरा को लेकर कांग्रेस में चल रही गहमा गहमी के बीच बीटीपी यानी कि भारतीय ट्राइबल पार्टी अपने भविष्य को सुरक्षित करने जुट गई है। यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष घोगरा की नाराजगी और सीएम गहलोत को भेजे गए इस्तीफे को तूल देकर बीटीपी कांग्रेस की लड़ाई को लंबा खींचना चाहती है, ताकि बगावत के साथ कांग्रेस से नाराज नेता बीटीपी की शरण में आ जाए। इसके लिए बीटीपी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। विवाद को हवा देकर बीटीपी कांग्रेस से उस बात का बदला भी लेना चाहती है, जब जिला परिषद के चुनाव में बहुमत में आगे रही बीटीपी को समर्थन नहीं देकर कांग्रेस ने दूरविरोधी भाजपा के साथ खड़ी हो गई थी। सही मौका तलाशते हुए बीटीपी ने 2 साल पुराने कांकरी डुगरी प्रकरण को भी हवा दे दी है। कोडनिया ही कांकरी डुगरी प्रकरण के मुख्य सूत्रधार है और इस क्षेत्र में अगर कांग्रेस बिखर रही है, टूटी है, दिनेश फडणवीस की वजह से टूटे। प्रदेशाध्यक्ष घोगरा ने सहानुभूति दिखाते हुए बीटीपी कांकरी डुगरी प्रकरण का असली सूत्रधार डूंगरपुर में कांग्रेस के दूसरे गुट दिनेश खोडनिया को बताने का मौका भी नहीं खोना चाहती। वेदों का ज्ञान नहीं चाहिए। हमारी संस्कृति जो आदिवासी परंपरागत है, जीवन शैली है, हमारे जो प्रकृति के साथ में जो रिश्ता है हमारा, और जिस तरह से यापन करते हैं, अभी हमको मुख्य धारा में लाना बंद कर दीजिए आप। ये मुख्य धारा की बात है, हमारी संस्कृति में हमें निर्णय लेने दो कि हमको कैसे जीना है। सियासी गणित के समीकरण बनाने में जुटी बीटीपी उदयपुर में हुए कांग्रेस के चिंतन शिविर पर सवाल खड़े करते हुए पार्टी की कमजोर कड़ी पर वार करने की कोशिश कर रही है। इसको चिंतन शिविर का आयोजन उदयपुर संभाग में करने का देश लेवल का जरूरत इसलिए पड़ी कि यहाँ का जो स्थानीय जो ट्राइबल है, यहाँ का स्थानीय जो गरीब है, यहाँ का स्थानीय जो माइनॉरिटी है, यहाँ का स्थानीय जो दलित है, पीड़ित है, दुखी है, मजदूर है, किसान है, वो सब के सब कांग्रेस से विश्वास बिल्कुल हो चुका है और कांग्रेस से अलग हो रहा है, इसका ये नतीजा है। बीटीपी ने बांसवाड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पदाधिकारियों ने पूरी तरह से कांग्रेस को ही घेरा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए भी बीटीपी ने बांसवाड़ा इसलिए चुना कि डूंगरपुर में कांग्रेस विधायक खुद कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। वहीं बांसवाड़ा से राज्य के 2 मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालविया और अर्जुन बामनिया का रिश्ता है। मंत्रियों के गढ़ में अक्सर बीटीपी ने सीधे चुनौती देने की कोशिश की है।